हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका फिजिक्स के अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द चार्ज एट रेस्ट और मोशन। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड के अंदर हम चार्ज को स्टडी करेंगे, या तो रेस्ट पोजिशन पे या मोशन में। तो इट इज द स्टडी ऑफ द चार्ज एट रेस्ट और मोशन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। एंड इलेक्ट्रिसिटी आपकी दो टाइप से हम इसको डिवाइड करते हैं, स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी, एंड सेकेंड जो पार्ट है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? सबसे पहला जो पार्ट है स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में बताते हैं। स्टेटिक का मतलब क्या है? रेस्ट। और इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जो स्टडी करते हैं हम चार्ज रिलेटेड। तो यहां पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या हुआ? स्टडी ऑफ द चार्ज एट रेस्ट, दिस इज द स्टडी ऑफ द चार्ज एट रेस्ट, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? स्टडी ऑफ द चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी को हम क्लासिफाई करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एट रेस्ट, एंड स्टडी ऑफ द चार्ज इन मोशन इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी जो पोर्शन है वो आपका बेसिक है टेंथ क्लास में, मेनली जो आपका स्टार्ट होता है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट होता है। लेकिन आपको ब्रीफली इसका पता होना चाहिए कि स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कौन कौन सी टर्म्स आएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो टर्म है वो चार्ज है। क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ये चार्ज क्या होता है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाई विच द बॉडी शो सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन टू द अनदर बॉडी। हमारे पास कोई दो बॉडी है, सपोज हमारे पास ए बॉडी है और एक बॉडी बी है, दोनों ही न्यूट्रल बॉडी हैं। अब न्यूट्रल बॉडी हैं तो इनके बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन होगा और ना ही कोई रिपल्सन होगा, इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हो और ये नेगेटिवली चार्ज हो तो आपको ये पता लग जाएगा कि दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिवली है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ऐसे ही अगर हमारे पास ये बॉडी ए है, ये पॉजिटिव चार्ज है, बॉडी बी पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। तो यहां से आपको ये पता चला कि बॉडी के ऊपर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ गई जिसके कारण वो बॉडी किसी दूसरी बॉडी के साथ या तो अट्रैक्शन शो कर रही है या रिपल्सन शो कर रही है। उस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी को बोलते हैं चार्ज। तो यहां से डेफिनेशन चार्ज की आप पता लगा सकते हैं कि चार्ज क्या होता है, क्योंकि आपको ये चैप्टर के अंदर चार्ज की ही स्टडी करनी है, चार्ज को ही रेस्ट पोजीशन पे, चार्ज को ही मोशन के अंदर स्टडी करना है। तो चार्ज को आपको पता चल गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप का चार्ज होता है और ये बॉडी पे कैसे एक्वायर होगा उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सपोज हमारे पास ये बॉडी ए एंड बी थी और ए और बी बॉडी को आपने रब किया, दोनों की रबिंग किया आपने, ए और बी बॉडी को आपने रब किया। अब रब करने से क्या होगा? रब करने से क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। अब जिस बॉडी के अंदर हीट की रिक्वायरमेंट कम है इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, मान लिया जाए सपोज कि आप बॉडी ए के अंदर इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कम हीट की रिक्वायरमेंट है, तो ये हीट को पहले एक्वायर कर लेगी। बॉडी बी के अंदर इलेक्ट्रॉन को, बॉडी बी के अंदर हीट को एक्वायर करने की एबिलिटी जो है वो ज्यादा है तो वो बाद में करेगी। तो सपोज किया बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन बी के ऊपर ट्रांसफर हो गए, बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन बी के ऊपर ट्रांसफर हो गए, तो बी के ऊपर ट्रांसफर होंगे तो बॉडी ए पे कैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और बॉडी बी पे कैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। यानी कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दिस इज द कॉज ऑफ द चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। यही कारण है किसी बॉडी के ऊपर चार्ज क्रिएट होने का। तो यहां पे मैंने ए और बी बॉडी को रब किया, रब करने से हीट प्रोड्यूस हो गई, और हीट जो है एक टाइप की एनर्जी है। अब बॉडी ए को एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम थी तो उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, वो जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, और वो इलेक्ट्रॉन आपके ए से बी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो गए, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर बॉडी बी के ऊपर आपका नेगेटिवली चार्ज आ गया और बॉडी ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी आपको डिस्कस किया है चार्ज कैसे क्रिएट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे क्रिएट होता है। अब हम चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कम से कम कितना चार्ज एग्जिस्ट करेगा, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, न्यूट्रॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज एग्जिस्ट करेगा, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे
पहले चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, क्यू सिंबल होता है चार्ज के लिए, इसको क्यू से डिनोट करेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ चार्जेज, एडिशन ऑफ चार्जेज। एडिशन ऑफ चार्जेज क्या है, हमारे पास कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में आपके नंबर ऑफ चार्ज गिवन है, सपोज दिस इज चार्ज क्यू वन, ये क्यू टू, ये क्यू थ्री और ये क्यू फोर, तो टोटल चार्ज इस सिस्टम पे क्या होगा, टोटल चार्ज सिंपली जो ऐड करते हैं उसी के अकॉर्डिंग क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू फोर हो जाएगा। यानी कि उस सिस्टम में जितने भी आपके चार्ज एग्जिस्ट करते हैं उन सभी का जो सम लेंगे वो टोटल चार्ज आ जाएगा। सिंपल जो एडिशन करते हैं उसी के अकॉर्डिंग चार्ज भी आपके उसी फॉर्म में एडिशन करेंगे, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज या एडिशन ऑफ द चार्जेस। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो वेरी वेरी सिंपल प्रॉपर्टी है आपकी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर आपका आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या है, कंजर्व्ड का मीनिंग क्या है, कि बॉडी जिस स्टेट पे पहले थी वही स्टेट बाद में रहे, जिस स्टेट पे बॉडी पहले थी वही स्टेट बाद में रहे, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग क्या होगा कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एंड अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू, इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज, इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज, ये कंजर्वेशन के अंदर होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर हम अप्लाई करते हैं। इसका एग्जांपल सपोज ले लेते हैं कि ये हमारे पास एक कोई सिस्टम है, ये हमारे पास कोई सिस्टम है, ये इसकी इनिशियल स्टेट गिवन है, सिस्टम की ये इनिशियल स्टेट गिवन है, इसमें आपने तीन बॉडी रख दी ए बी और सी, ए बी और सी तीन बॉडी आपने ले ली, ए बॉडी पे चार्ज है 1 कूलम, बॉडी बी पे चार्ज है 2 कूलम, बॉडी सी पे चार्ज है 3 कूलम, तो टोटल जो चार्ज आएगा इस बॉडी पे टोटल चार्ज आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 3 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 6 कूलम। ये इनिशियल स्टेट पे आपने देखा है, लेकिन लेकिन अगर इसको फाइनल स्टेट पे देखेंगे तो फाइनल स्टेट के केस में, ये फाइनल स्टेट मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ये फाइनल स्टेट है, यहाँ पे आपने तीन ही बॉडी लिए हैं, बॉडी ए, बॉडी बी और बॉडी सी, तो कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग फाइनल चार्ज भी क्या होना चाहिए, 6 कूलम होना चाहिए। तो हमने देखा कि बॉडी ए के पास तो चार्ज है 1 कूलम, बॉडी बी के पास भी चार्ज 1 कूलम है और बॉडी सी के पास कितना चार्ज हुआ, 4 कूलम, और यहाँ पे जो टोटल चार्ज आएगा फाइनली वो भी कितना आ रहा है, 6 कूलम। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि इनिशियल स्टेट में जो चार्ज था वही चार्ज फाइनल स्टेट में आया है, इनिशियल स्टेट में जो चार्ज था वही चार्ज फाइनल स्टेट में आया है, बट बॉडी के बॉडी ने क्या किया, अंदर ही अंदर चार्ज को शेयर किया, बॉडी बी के ऊपर चार्ज 2 कूलम है इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे कितना हुआ, 1 कूलम, बॉडी सी पे चार्ज 3 कूलम है तो फाइनली बॉडी सी पे चार्ज कितना हुआ, 4 कूलम। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मीन्स चार्ज अंदर ही अंदर बॉडी ने शेयर कर लिया है बट द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम विल रिमेन सेम, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज रिलेटेड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है ये। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, जैसे मेरे पास ये बॉडी है ए और ये बॉडी बी है, दोनों बॉडी न्यूट्रल थी, अनचार्ज थी और दोनों को मैंने रब किया, रब करने से इलेक्ट्रॉन ए बॉडी से बी बॉडी में चले गए, रब करने से इलेक्ट्रॉन ए बॉडी से बी बॉडी पे चले गए, सपोज किया यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ए बॉडी से बी बॉडी की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो बॉडी ए पे जो चार्ज आएगा वो कितना चार्ज आएगा, +2 × E, बॉडी बी पे चार्ज जो आएगा वो कितना आएगा, -2 × E। अब ये E क्या है, E यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है, E इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये E का मैग्नीट्यूड होता है, E को आप डिफाइन करते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये वैल्यू हमारे पास माइनस E होगी किसके लिए, 4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज होगा वो माइनस E होगा,
लेकिन यही वैल्यू आपकी प्लस ई होगी, किसके लिए, फोर प्रोटोन, प्रोटोन पे चार्ज जो होगा वो प्लस ई हो जाएगा। ये वैल्यू आपकी बेसिक है, आपको पता होनी चाहिए कि 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम है। तो मैंने क्या लिया यहाँ पे, ये बॉडी ए ये बॉडी बी दोनों को रब किया, ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन बी पे चले गए, दो इलेक्ट्रॉन गए हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव 2e और बॉडी बी पे चार्ज आ गया -2e। तो मैं इसको एक बार लिख लेता हूं कि बॉडी ए के ऊपर जो चार्ज आया उसको लिखा है +2e और बॉडी बी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो लिखा है मैंने -2e, दिस इज -2e। तो यहां से ही आपकी ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो चार्ज है किसी बॉडी पे वो इंटीग्रल मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, फंडामेंटल चार्ज का। इस ई को बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज या बेसिक चार्ज, उसका इंटीग्रल मल्टीपल है, इंटीजर से मल्टीप्लाई किया गया है। ये प्लस टू भी इंटीजर है, ये माइनस टू भी इंटीजर है। तो यहां पे ये प्लस टू और माइनस टू क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव का तो मीनिंग ये है कि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, लूज हुए हैं, इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। और नेगेटिव चार्ज का मीनिंग यहां पे क्या है, इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, वो यहां पे हमारे पास जो नंबर है ई का जो मल्टीपल है वो डिफाइन कर रहा है। जैसे यहां पे टू नंबर है, ये भी टू नंबर है, तो दो ही बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं और दो ही इलेक्ट्रॉन बॉडी ने गेन किए हुए हैं। तो प्लस माइनस से पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहां से आपकी एक स्टेटमेंट बन गई, फॉर्मूला बन गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, क्यू इज द टोटल चार्ज ऑन दी बॉडी, प्लस माइनस एन जो है ये इंटीजर है और E यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम है। तो यहाँ पे ये जो N रिप्रेजेंट कर रहा है, ये N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ये N जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये प्लस माइनस N मैंने बताया कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी डेट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी डेट विल कैरी नेगेटिव चार्ज। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि टोटल चार्ज निकालना हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो, तो वहां पे आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अप्लाई होगा। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। ये हमारे पास बॉडी ए है और इस बॉडी ए पे जो चार्ज है वो प्लस थ्री ई है, बॉडी ए पे जो चार्ज है वो प्लस थ्री ई है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आपके मूव किए हैं, मीन्स इस बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, वो कैसे निकालेंगे। ये जो हमारे पास E जो है इसका जो मल्टीपल आता है, ये जो मल्टीपल है जो इंटीजर है वो हमारे पास कितना रहेगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने आ गए, थ्री आ गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, थ्री, क्योंकि इस फॉर्मूले को आप लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू एन ई, क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो चार्ज यहाँ पे थ्री ई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एन से नोट कर रहे हैं, ई चार्ज है, ई से ई कैंसिल हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, थ्री। इसी तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अगर एक बॉडी ए है और उस बॉडी पे आपका वन कूलम चार्ज है तो उस बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ये कमेंट करके बताएंगे कि इस बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। और क्वेश्चन लेते हैं कि ये बॉडी बी है, इस बॉडी के ऊपर चार्ज है माइनस का 9.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये मेरे पास बॉडी बी है, इसके ऊपर −9.6 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज है, तो इस बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इस बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें कि ये जो हमारे पास चार्ज गिवन है कूलम के अंदर, अब काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे ई को सर्च करेंगे लेकिन ई नहीं है यहाँ पे, कूलम गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्यू इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, एन ई, क्यू इज इक्वल टू एन ई लगाएंगे। इस नेगेटिव साइन को छोड़ दें क्योंकि नेगेटिव साइन तो ये शो कर रहा है कि बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी रखेंगे, 9.6 × 10⁻¹⁹ इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई ई की वैल्यू आएगी 1.6 × 10⁻¹⁹, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और एन की वैल्यू सोल्व करने पे आएगी 9.6 / 1.6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, सिक्स आ गए। अब मेरा एक क्वेश्चन और भी आपसे कि ये हमारे पास, ये मेरे पास बॉडी ए है और ये बॉडी ए है, इसके ऊपर चार्ज लिखा हुआ है 2.3e, −2.3e। तो आप मुझे बताएंगे इस बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, कमेंट करके जल्दी बताएंगे। ऐसे हमारे पास ये एक्स बॉडी है, ये वाई बॉडी है, एक्स बॉडी और वाई बॉडी है, वाई से इलेक्ट्रॉन चले गए 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन्स,
तो इस केस में वाई पे कितना चार्ज आएगा, एक्स पे कितना चार्ज आएगा। अब कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, कौन सी गेन करेगी, तो इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, प्लस। अगर मैं एक्स वाई बॉडी पे निकाल रहा हूं तो क्यू चार्ज ऑन वाई बॉडी क्या आएगा, प्लस एन इंटू ई। ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गिवन है, प्लस 10^19 इंटू 1.6 इंटू 10^-19, ये इससे कैंसिल हो गया, तो टोटल चार्ज बॉडी वाई पे कितना आ गया, 1.6 कूलाम आ जाएगा। 1. कितना आ गया, 6 कूलाम। अगर मैं बॉडी यहां पे निकालता हूं, एक्स बॉडी पे निकालता हूं, तो ये चार्ज कितना आ जाएगा, -1.6 कूलाम आ जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो इस तरीके से आप ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन निकाल सकते हैं। शायद सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स आपके पास दो टाइप के चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है ये, एक नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन। अगर दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो हमारे पास क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा। ऐसे ही हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर हमारे पास एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये दोनों चार्ज हैं, ये लाइक चार्जेज हैं, दीज आर लाइक चार्जेज, सेम टाइप के चार्जेज हैं, इनको लाइक चार्ज बोलते हैं। और ये जो हमारे पास चार्जेज हैं ये कैसे चार्जेज हैं, अनलाइक चार्जेज, अनलाइक चार्जेज। तो ये फोर्थ जो प्रॉपर्टी है चार्जेज की, उसमें आपका फर्स्ट है, फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। जो सेम टाइप के, मीन्स यहाँ पे इन दोनों का मैग्नीट्यूड नियर बाई सेम हो, तो उस केस में आपका दो अनलाइक चार्जेज में अट्रैक्शन होगा, दो लाइक चार्जेज में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। अब ये अट्रैक्शन और रिपल्सन को हम कैसे मैग्नीट्यूड में निकाल सकते हैं, वहां पे एक टर्म आती है हमारे पास, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी मैंने आपको बताया कि लाइक चार्जेज रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेज अट्रैक्ट करते हैं, तो उस केस में कितना रिपल्सन और कितना अट्रैक्शन होगा। सपोज देर आर टू पॉइंट चार्जेज, पॉइंट चार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड कम होगा। अगर ये दो पॉइंट चार्जेज हमारे पास Q1 एंड Q2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस r दे रखी है, सेपरेशन r है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मींस अगर यहाँ पे Q1 एंड Q2 की वैल्यू को आप इंक्रीज करेंगे तो फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन आपका इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये डिस्टेंस जो है इसको आप बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दीज चार्जेज। मतलब आपको ये पॉजिटिव दे रखा है, एक नेगेटिव दे रखा है, तो आपको दोनों को पॉजिटिव लेना है, मोड की फॉर्म में, मॉडुलस की फॉर्म में लेना है। तो यहां पे ये हमारे पास सपोज किया पॉजिटिव चार्ज था, ये हमारे पास सपोज किया नेगेटिव चार्ज था, तो आपको ये पता चल गया कि दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई कितना आएगा, आर स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसी को हम कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। जो मैंने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कराई है उसके अंदर दो चार्ज के बीच में ये फोर्स आपका एग्जर्ट होगा। तो ये आपको मैंने चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपको करवाई है। के इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट, और इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10^9 होगी। ये आप 12th क्लास के अंदर ज्यादा डीपली पढ़ेंगे। तो अभी तक मैंने आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया है,
स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी में आपका जो क्वेश्चन जो बनता है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बनता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स बन सकता है, अदरवाइज आपका जो मेनली क्वेश्चन बनेंगे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से आएंगे। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी के नेम से है उसमें आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही मेन टॉपिक आपके कवर किए गए हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से नोट करते हैं, और ये होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आपने चार्ज पढ़े हैं, जब चार्ज मूव करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उसका जो टाइम रेट लेंगे, उस चार्ज का टाइम रेट लेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसकी डेफिनेशन बन जाएगी द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को आप किस फॉर्मूले से नोट करते हैं, किस फॉर्म से नोट करते हैं, आई से नोट करते हैं। और आई का जो फॉर्मूला होगा मैथमेटिकली वो क्या होगा, चार्ज डिवाइड बाई टाइम। क्योंकि आपको चार्ज को टाइम से डिवाइड करेंगे तभी आपका टाइम रेट आएगा चार्ज का। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो वहां पे जो हमारे पास टाइम के साथ उसका रेट लेंगे वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाई टाइम। चार्ज को आप क्यू से नोट करेंगे, टाइम को किससे नोट करेंगे, टी से नोट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या आ गया, क्यू बाई टी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला आपका इलेक्ट्रिक करंट के लिए, तो क्यू बाई टी चार्ज डिवाइड बाई टाइम। बट आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर ये पढ़ा है क्यू इज इक्वल टू क्या है, एनी है, क्यू इज इक्वल टू एनी। तो ये क्यू इज इक्वल टू एनी यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास करंट की वैल्यू किसके ऊपर आ जाएगी, एनी डिवाइड बाई टी। यहाँ पे एन क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है। ई कल मैंने ई जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। E इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। T टाइम है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और I यहाँ पे करंट है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे करंट की यूनिट क्या होगी। अब देखो यहाँ पे चार्ज जो है, चार्ज के लिए यूनिट क्या है कूलम, और टाइम के लिए यूनिट क्या है सेकेंड। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसा यूनिट में, कूलम बाई सेकेंड। और कूलम बाई सेकेंड को ही हम क्या लिखते हैं, एम्पियर। इसको हम एम्पियर से नोट करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट जो रहेगी वो एम्पियर होगी, और वन एम्पियर जो होगा वो वन कूलम, वन सेकेंड और वन एम्पियर दोनों इक्वल होंगे। मींस टू से कि वन कूलम डिवाइड बाय वन सेकेंड इज इक्वल टू वन एम्पियर। किसी वायर के अंदर से, किसी करंट के अंदर से, किसी कंडक्टर के अंदर से करंट वन एम्पियर कब होगा, जब एक कूलम का चार्ज एक सेकेंड में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा तब हम उस करंट को कहेंगे वन एम्पियर। तो इस तरीके से आप इस इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा यूनिट जो आएगी, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या हो जाएगी, इस इलेक्ट्रिक करंट के लिए ऐसा यूनिट क्या रहेगी हमारे पास, एम्पियर। एम्पियर हो जाएगी, और इसको हम किसे नोट करेंगे, ए से भी नोट करेंगे। अब कौन सा डिवाइस जो है जिसमें आप करंट को मेजर करते हैं, वो हमारे पास जो डिवाइस होता है उसको बोलते हैं एमीमीटर। एमीमीटर बोलते हैं सिंपली इसको, एमीमीटर। और एक हमारे पास अगर मैं मिली एमीटर की बात करूं तो 1 mA या 1 mA कितना होगा, 10⁻³⁻³ क्या होगा, एम्पियर होगा। 1 μ, ये माइक्रो के लिए सिंबल है, माइक्रो एम्पियर कितना होगा, 10⁻⁶ एम्पियर होगा। तो ये हमारे पास करंट को मेजर करने के अदर आपके डिवाइस भी होते हैं। एमीटर जो करंट है वो एम्पियर में मेजर करेगा, मिली एमीटर जो करंट है वो मिली एम्पियर में मेजर करेगा, माइक्रो एमीटर जो होता है वो माइक्रो एम्पियर में करंट मेजर करता है। तो ये स्मॉल करंट है तीनों करंट के अंदर, एम्पियर में 10⁻³³ और 10⁻⁶, तीनों के अंदर आपका 10⁻⁶ एम्पियर करंट क्या है, लेस वैल्यू है तीनों करंट के अंदर। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कौन सी क्वांटिटी आएगी, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ये कौन सी क्वांटिटी के अंदर आता है इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है, अब हम एक दो क्वेश्चन और फॉर्मूला और ले लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। सपोज किया मेरे पास ये बॉडी ए है और ये बॉडी क्या है, बी। ए बॉडी से बी बॉडी की तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए, 20 इलेक्ट्रॉन गए हैं, और इन 20 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में
मूव करने में टाइम लगा है 10 सेकेंड, 20 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में टाइम लगा है 10 सेकेंड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो होगा, क्योंकि आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मीन्स टू वहां पे चार्ज फ्लो हो रहा है, तो चार्ज को टाइम से डिवाइड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो यहाँ पे आई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, चार्ज, चार्ज हमारे पास क्या रहेगा एनी, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा टाइम टी, तो n जो है हमारे पास वो कितना है 20 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 20 जा रहे हैं, तो 20 मल्टीप्लाई बाई ई, ई की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और टाइम कितना गिवन है, ये 10 सेकंड गिवन है, इसको इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.2 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 19 एम्पियर। तो ये आपका करंट फ्लो करेगा जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और गिवन टाइम भी है आपका, तो उस तरीके से आप इजीली करंट निकाल सकते हैं कि करंट की वैल्यू क्या आएगी। अब जैसे आपने एटम के बारे में पढ़ा है कि एटम जो होता है उसमें आपके न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन लाई करते हैं और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं पर्टिकुलर ऑर्बिट में। अब इलेक्ट्रॉन के मोशन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ के अंदर, तो वहां पे भी आपका करंट आता है, उस करंट को हम किस फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे। जैसे हमारे पास ये एटम है, इस एटम के अंदर यहाँ पे आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और बाहर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो से कितना करंट आएगा वो हमें निकालना है। तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू डिवाइड बाई टी, आपको फॉर्मूला पता है। अब यहाँ पे Q तो चार्ज हो गया और T हो गया टाइम पीरियड, मीन्स टू से ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रिवोल्यूशन लेने के लिए कितना टाइम लगा रहा है, T टाइम लगा रहा है, तो उसको हम T से नोट करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मैग्नीट्यूड में कितना होगा, E डिवाइड बाई कितना आ जाएगा T, इसको हम लिख सकते हैं E इंटू 1/T, और 1/T जो होता है वो क्या रहेगा, फ्रिक्वेंसी। तो करंट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ गया, I इज इक्वल टू E इंटू F, E इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड एफ इज द फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से आप ये करंट निकाल सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के अंदर टाइम पीरियड गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आप उस तरीके से उसका करंट निकाल सकते हैं। तो ये आपको करंट के फॉर्मूले आपको रिमेम्बर होने चाहिए जो रिलेटेड आपको मैंने बताए हैं। अब नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर आपको ये बताना है कि माइक्रो एमीटर में, मिली एमीटर में और एमीटर में कौन सा करंट स्मॉलर होगा, कमेंट करके बताएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज द रेशो ऑफ वर्क डन टू द टेस्ट चार्ज। रेशो होता है वर्क डन का टेस्ट चार्ज के साथ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप V से नोट करते हैं और V की वैल्यू जो आएगी वो क्या रहेगा, वर्क डन डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। इसको मैंने डिनोट किया है किससे, वर्क डन को W से नोट करेंगे और टेस्ट चार्ज को क्यू नोट से नोट करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल आएगा, वर्क डन डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट लेंगे SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगी इज वोल्ट रहेगी, और 1 वोल्ट जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 1 जूल डिवाइड बाय 1 कूलम्ब चार्ज। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइड बाय 1 कूलम्ब चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप 1 वोल्ट कब कहेंगे, जब एक जूल आपकी एनर्जी वर्क डन स्टोर होगा 1 कूलम्ब चार्ज के मूव करने से, यानी कि 1 कूलम्ब चार्ज आपका मूव कर रहा है और उसके कारण वर्क डन आ रहा है 1 जूल, तो वर्क डन को हम डिवाइड कर देंगे उस चार्ज से, तो वो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये आपको कंप्लीटली इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अब ये होता क्या है, वर्क डन क्या, कैसे निकालते हैं, टेस्ट चार्ज क्या होता है, इसके बारे में मैं डिफाइन कर रहा हूं। यहाँ पे हम दो चार्ज पढ़ेंगे, एक होता है सोर्स चार्ज और एक होता है टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज सपोज किया मैंने क्यू मान लिया, दिस इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, जिसको फिक्स किया है, और एक हमारे पास क्या है, टेस्ट चार्ज है। ये टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और ये टेस्ट चार्ज मैंने सपोज किया दिस इज 1 कूलम्ब चार्ज, दिस इज टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या है, जो मूवेबल है, और सोर्स चार्ज क्या है, जो फिक्स है, और ये 1 कूलम्ब चार्ज आपने कहाँ पे लिया है, एट इन्फिनिटी ले लिया।
अब ये 1 कूलम्ब चार्ज इस क्यू चार्ज के नियर बाई, सपोज किया दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट सी। अब ये चार्ज 1 कूलम्ब चार्ज इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक आने के लिए सपोज वर्क कर रहा है कितना, 20 जूल वर्क कर रहा है। 1 कूलम्ब चार्ज ए पॉइंट तक आने के लिए 20 जूल वर्क कर रहा है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वर्क डन 20, और जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो 1, तो हमारे पास पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर ये 1 कूलम्ब चार्ज बी पॉइंट तक आने के लिए 30 जूल वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आ जाएगा, 3 बी पॉइंट बी पे निकालोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 30 डिवाइड बाई 1 कितना वोल्ट आ जाएगा, 30 वोल्ट आ जाएगा। ऐसे ही अगर ये सी पॉइंट पे चार्ज आता है और यहाँ तक आने के लिए 40 जूल वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आएगा सी पॉइंट पे, वो वर्क डन डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज मीन्स 40 वोल्ट आ जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पे आप वर्क डन निकालते हैं उस टेस्ट चार्ज के कारण, तो उस वर्क डन को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक सिंगल पॉइंट पे निकलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका सिंगल पॉइंट पे निकलता है, और एक टर्म होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जो आपका दो पॉइंट के बीच में रहेगा। अब ये जो टेस्ट चार्ज लिया है ये मूवेबल है, ये सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज के अराउंड आपने ये पॉइंट कंसीडर किए हैं, और ये इन्फिनिटी से 1 कूलम्ब चार्ज ए पे आ रहा है, फिर बी पे आ रहा है, फिर सी पे आ रहा है, तो इससे चार्ज ने ए बी और सी पे डिफरेंट डिफरेंट वर्क किया है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो रहेगा वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। अगर मैं सपोज कर लेता हूँ ये जो चार्ज है ये 2 कूलम्ब हो गया, अगर 2 कूलम्ब का चार्ज इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे आता है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दिस विल बी 10, ये 10 वोल्ट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 वोल्ट आ जाएगी। ऐसे ही आप यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 वोल्ट आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका एक जो फॉर्मूला बन गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है किसी पॉइंट पे, वो वर्क डन डिवाइड बाई क्या होगा, टेस्ट चार्ज होगा। टेस्ट चार्ज जितनी वैल्यू लेंगे उस वर्क डन से डिवाइड कर देंगे, उस टेस्ट चार्ज को, वर्क डन को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हैं। और सिंपली मीनिंग हम डिस्कस करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर एक जगह पोटेंशियल ज़्यादा है, दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल कम है, तो आपका जो चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करेगा, जब तक दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस गिव्स द फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन द टू पॉइंट्स। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया है, अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास चार्ज क्यू नोट की वैल्यू दे रखी है 3 माइक्रो कूलम्ब और वर्क डन गिवन है 30 जूल, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्यू नॉट आपका 3 माइक्रो कूलम्ब, वर्क डन आपका 30 जूल, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी। अब जो नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको डिस्कस किया है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। जैसे मेरे पास ये क्यू चार्ज जो मैंने सोर्स चार्ज लिया है, दिस इज सोर्स चार्ज, और यहाँ पे ये इन्फिनिटी पे 1 कूलम्ब चार्ज रखा हुआ है, और 1 कूलम्ब चार्ज ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे आ रहा है। यहाँ पे वर्क है 20 जूल का, यहाँ पे वर्क है 30 जूल का, ये वर्क है 40 जूल का, ए बी और सी पॉइंट पे आने के लिए। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, कमेंट करें जल्दी कि कमेंट करेंगे कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। तो यहाँ से वर्क डन निकालेंगे तो 20 डिवाइड बाई 1, दिस विल बी इक्वल टू 20 वोल्ट, ये हो जाएगा 30 वोल्ट, और इस पॉइंट सी पे जो वोल्टेज आ जाएगी वो कितनी आ गई, 40 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि यहाँ पे पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, इसको वी ए बी से नोट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, तो ये कितना आ रहा है, ये 30 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो यहाँ से आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स, सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस
इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई ए वन कूलम्ब चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। यही एक कूलम्ब चार्ज इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे आने के लिए जो वर्क करता है उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। यही वन कूलम्ब चार्ज इन्फिनिटी से बी पॉइंट पे तक आता है तो बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा वो 30 वोल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर यही वन कूलम्ब चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता है तो वर्क डन कितना होगा, वो वर्क डन कर रहा है 10 जूल। तो यहाँ पे 10 जूल का वर्क कर रहा है क्योंकि 20 से 30 के बीच में जो गैप आएगा वो 10 जूल का है और जो चार्ज है वो 1 कूलम्ब का है। तो 10 जूल डिवाइड बाई 1 करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल सकते हैं। दोनों की यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो दो पोटेंशियल का डिफरेंस भी तो वोल्ट ही होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट जो है वो आपको बताई गई कि वोल्ट होती है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी क्या होगी, वोल्ट होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, आपसे मैं पूछूंगा कि ये मेरे पास कंडक्टर है, एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है, तीन कंडक्टर गिवन है, यहां पे पोटेंशियल है आपका 10 वोल्ट, यहां पे पोटेंशियल 5 वोल्ट, इस एंड पे जो पोटेंशियल है 15 वोल्ट, यहां पे है 5 वोल्ट, इस एंड पे 20 वोल्ट और ये है 5 वोल्ट। तो क्वेश्चन ये है कि कौन से कंडक्टर के अंदर करंट जो है वो ज्यादा फ्लो करेगा, कौन से कनेक्टर के अंदर करंट जो है वो ज्यादा फ्लो करेगा। अगर ये कनेक्टर ए है, ये कनेक्टर बी है, ये कनेक्टर सी है, तो अपने आंसर कमेंट करके बताएंगे मुझे कि कौन से कनेक्टर के अंदर करंट फ्लो ज्यादा करेगा। क्योंकि ओम्स लॉ को हम डिस्कस कर रहे हैं तो उससे पहले आपको ये पता, थोड़ा बेसिक आइडिया पता होना चाहिए आपको कि ये क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको दोनों टर्म में अच्छे से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट समझाई है, तो उन्हीं के बेसिस पे आपका ये ओम्स लॉ को हम निकालेंगे। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो कंडक्टर ए है इसके दोनों एंड्स के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट है। यहां पे जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 वोल्ट है। यहां पे जो डिफरेंस है वो आपका कितना है, 15 वोल्ट है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर अगर आपका ज्यादा है तो करंट भी क्या होगा, ज्यादा फ्लो करेगा। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर कम है तो करंट भी क्या होगा, कम फ्लो करेगा। और यहीं से आपकी ओम्स लॉ की डेरिवेशन डेफिनेशन आ जाती है, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। The current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across the ends of the conductor. But in some conditions like temperature, pressure, strain remain same. जब ये तीनों को आप कांस्टेंट रखेंगे तब आपका जो करंट है वो वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यही से आपको मैंने बताया कि तीनों कंडक्टर के अंदर आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सी वाले के अंदर ज्यादा है, ए वाले के अंदर कम है, तो जिसमें ज्यादा रहेगा उस कंडक्टर में करंट क्या होगा, ज्यादा फ्लो करेगा। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं ओम्स लॉ के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर व्हेन फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर प्रेशर स्ट्रेन रिमेन्स अनचेंज्ड ये कॉन्स्टेंट रहे। तो ये हमारे पास डेफिनेशन बनती है ओम्स लॉ के। मैंने लिखा है करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर।
बट उसमें तीन कंडीशन आपको बताई गई है कि टेम्परेचर, प्रेशर और स्ट्रेन क्या होगा। अब यहां पे दो टर्म से आपको पता होगा कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, लेकिन जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेन क्या होता है। सिंपली आप इसको बोल सकते हैं कि एक्सटेंशन, जैसे आप वायर को आप खींचेंगे तो उस केस में उसके लेंथ में इंक्रीज हो सकता है, वो इंक्रीज इन लेंथ जो है उसको ओरिजिनल लेंथ से जब डिवाइड करते हैं तो वो वहां पे हमारे पास स्ट्रेन आता है। तो इसको सिंपली ये बोल सकते हैं कि खिंचाव जो होता है किसी वायर के अंदर, स्ट्रेचनेस जो आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। तो आपको वायर के साथ कोई मतलब खींचना नहीं है वायर को, सिंपल जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रखनी है, और प्रेशर और टेम्परेचर भी फिक्स रखेंगे। तब आप ये चेक करेंगे कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या होगा, ज्यादा फ्लो करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट भी क्या होगा, कम फ्लो करेगा। तो यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने कॉन्स्टेंट यूज किया है, 1/R मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा, वी, और वी की वैल्यू जो आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, आई इंटू कितना आ जाएगा, आर। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर द ओम्स लॉ। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है ओम्स लॉ का, जिसमें आपकी एक टर्म आई हुई है आर, और आर की वैल्यू किसके इक्वल है, वी बाई आई। तो जो आर जो टर्म है, इस आर टर्म को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल आएगा, वी बाई आई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अब आपको मैंने ओम्स लॉ डिस्कस किया है, आप मुझे बताएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है, कमेंट करके बताएंगे। अब हमारे पास जो टर्म है, जैसे मैंने आपको ओम्स लॉ बताया, तो V इज इक्वल टू क्या था, आई आर, और R जो है यहाँ पे वो किसके इक्वल होगा, V बाई आई होगा, V बाई क्या होगा, आई। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसको बोलते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स या आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओम्स लॉ की फॉर्म में आप इसको डिफाइन करेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैंने लिया करंट आई, ये करंट लिया है, और वाई एक्सिस पे मैंने लिया है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां पे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, आर यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो गया। तो इसमें आप कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसका ग्राफ रहेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ओम्स लॉ के केस में ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहेगा, क्योंकि V और I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसमें ये जो वैल्यू आएगी इसको बोलते हैं स्लोप, और स्लोप क्या होता है, स्लोप जो होता है उसको हम M से नोट करते हैं, M इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, ये मेरे पास थीटा एंगल ले लिया मैंने, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। परपेंडिकुलर किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई एक्सिस पे हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। एक्स एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है, करंट है। तो यहाँ पे स्लोप या टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, वी बाई क्या जाएगी, आई आ जाएगी, वी बाई क्या आएगी, आई। तो जो स्लोप आएगा, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, दिस इज ऑल्सो डिनोटेड बाई एम, एंड दिस इज द रेशियो ऑफ द वोल्टेज टू द करंट। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, वी बाई आई, वी बाई आई को ही हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे। तो यहां से ग्राफ जब प्लॉट करते हैं तो ग्राफ के अंदर, वी आई ग्राफ के अंदर जो स्लोप आएगा, डेट विल स्लोप रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस को शो करेगा। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आर के इक्वल आ गई, और ये सारी आपकी टर्म एक के साथ दोनों, एम इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी बाई आई, सभी आपके इक्वल रहेंगे। अब जैसे एक ग्राफ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, ग्राफ से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास ये वी और ये करंट आई, ठीक है। अब ये हमारे पास दो बॉडी है, दो कंडक्टर हैं, उनके लिए ग्राफ प्लॉट किया गया ए और बी के लिए। अगर ये आपको गिवन है 30 डिग्री और ये आपको गिवन है 45 डिग्री, तो आपसे पूछा जाए कि कौन से वायर के लिए, कौन से कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा आएगी, कौन से कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री है ए के लिए और ये बी के लिए 45 डिग्री है, तो आप रेजिस्टेंस ए कंडक्टर के लिए निकालोगे तो आर ए ई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, टेंजेंट 30 के इक्वल आ जाएगी। आर ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, टेंजेंट 30 के इक्वल आ जाएगी, और आर बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, टेंजेंट 45 के इक्वल आ जाएगी। अब टेंजेंट 45 है, इसको लिखेंगे 1, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/√3। तो इसमें आपको ये साफ दिखाई दे रहा है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, आर बी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, आर ए से बड़ी है, आर बी इज ग्रेटर देन आर ए।
तो रेजिस्टेंस कौन से मटेरियल का ज्यादा होगा? रेजिस्टेंस बी मटेरियल का ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू ए, क्योंकि एंगल कम है तो स्लोप कम आएगा, टेंजेंट की वैल्यू कम आएगी तो रेजिस्टेंस कम आएगा, एंगल ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा आएगा, टेंजेंट की वैल्यू ज्यादा आएगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा आएगा। तो इस तरीके से आप ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो स्लोप लेंगे वो रेजिस्टेंस को डिफाइन करेगा। अब रेजिस्टेंस को हम स्पेशली डिफाइन करते हैं। टर्म है यहां पे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस सिंपली इट इज द अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट के पाथ में जो अपोजिशन क्रिएट होती है उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। जो रुकावट आती है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को हम किससे नोट करेंगे? आर से नोट करते हैं। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, क्या फॉर्मूला होगा? आर की वैल्यू निकालते हैं V बाई आई। रेजिस्टेंस को ओम के अंदर मेजर करते हैं। ओम, 1 ओम इज इक्वल टू क्या रहेगा? 1 वोल्ट डिवाइड बाई कितना आएगा? 1 एम्पियर। 1 वोल्ट डिवाइड बाई 1 एम्पियर। 1 वोल्ट की वोल्टेज आपने अप्लाई कर दी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस और उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो उस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम होगा। और इसके लिए जो सिंबल है वो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 ओम इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल जो सिंबल होता है वो रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा? ये रहेगा, ये हमारे पास कैसा रेजिस्टेंस है? फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है। ऐसे ही अगर हमारे पास ये रेजिस्टेंस गिवन है तो ये कौन सा रेजिस्टेंस है? वेरिएबल रेजिस्टर का काम करेगा, वेरिएबल रेजिस्टर या रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टर्स होते हैं उन्हीं का रेजिस्टेंस आपका होता है। 3 एक्टिव एलिमेंट होते हैं किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो 3 एक्टिव एलिमेंट होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो रजिस्टर के अंदर क्या होगा? रजिस्टेंस होगा। जो पोजिशन क्रिएट होती है उसको रजिस्टेंस बोलते हैं। और रजिस्टर के अंदर जो होता है वो हीट स्टोर होती है, हीट की फॉर्म में आपकी मतलब एनर्जी स्टोर होगी। तो ये हमारे पास रजिस्टेंस हो गया। अब रजिस्टेंस के लिए हम और फॉर्मूले लेते हैं। रेजिस्टेंस जो है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड। ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड। कौन कौन से फैक्टर पे जो रेजिस्टेंस है वो आपका डिपेंड करता है वायर की रेजिस्टेंस, किस किस फैक्टर पे वायर का रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा वो हमारे पास आएंगे। कौन कौन से पे? लेंथ ऑफ वायर। सेकेंड है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। थर्ड आपका आता है टेम्परेचर भी आता है, टेम्परेचर के साथ ये रिलेट करेगा, वेरी होगा, चेंज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे भी रेजिस्टेंस आपको पता है कंडक्टर के केस में बढ़ता है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में डिक्रीज होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? जैसे हमारे पास ये वायर है, इसकी लेंथ एल है, इसी वायर की लेंथ आपने 2 टाइम्स कर दी, इसी वायर की लेंथ जो है वो आपने 2L कर दी और एरिया आपने सेम रखा है। तो अगर एरिया को सेम रखेंगे, लेंथ को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? लेंथ के। अगर एरिया आपने सेम रखा है, वायर को भी सेम लिया हुआ है, तो लेंथ इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो एल लेंथ के लिए रेजिस्टेंस कम आएगा, 2L लेंथ के लिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास 2 वायर है, एक वायर ये है, सेम लेंथ की 2 वायर हैं, बट यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का क्या है? डिफरेंट है। एक वायर आपकी थिन है, एक आपकी थिक है। तो इस केस में दोनों की लेंथ इक्वल है तो रेजिस्टेंस जो है वो कौन सी वायर के लिए ज्यादा होगा? जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो इस केस में ये वाला एरिया ज्यादा है नीचे वाली वायर, मीन्स ये पी वायर है, ये क्यू वायर है, तो पी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है और एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। Q वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आर क्यू इज ग्रेटर देन क्या जाएगा? आर पी। रेजिस्टेंस ऑफ Q वायर इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ क्या जाएगा? P वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टर आते हैं 2। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे वायर के केस में, कनेक्टर के केस में, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसका भी इफेक्ट हम आगे एक्सप्लेन करेंगे।
अभी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कुछ टर्म्स हम रिप्रेजेंट करेंगे। रेजिस्टिविटी एक नई टर्म आएगी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस ये क्या होते हैं। अभी आपको बताया कि रेजिस्टेंस किसी वायर का जो डिपेंड करता है लेंथ के डायरेक्टली होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि क्या क्या नेसेसरी और एसेंशियल कंडीशन थी ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए, कौन कौन सी कंडीशन, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी थी जिनको आपको कॉन्स्टेंट रखना है। R is directly proportional to L, R is inversely proportional to 1 by R is inversely proportional to area of cross section, दोनों को इकट्ठा हम ऐड करेंगे तो लेंथ बाई कितना आ जाएगा, एरिया। और यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं तो एक नई टर्म आती है जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रो बोलते हैं इसको, और रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी होती है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में रिलेशन शो कर रहा है, ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टिविटी दोनों के बीच में रिलेशन शो कर रहा है। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यहां पे रो रेजिस्टिविटी है, लेंथ ऑफ द वायर एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर ए है। अब ये टर्म जो है रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होगी, इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मेटेरियल, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मेटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, टू अपोज द फ्लो ऑफ ए करंट, करंट को अपोज करने की जो एबिलिटी होती है मेटेरियल की उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। स्टूडेंट्स आप मतलब काफी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस नहीं पता लगाते कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टेंस तो जस्ट अपोजिशन हो गया, कनेक्टर के अंदर वायर के अंदर जस्ट अपोजिशन होता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन रेजिस्टिविटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ ए मेटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, किसी मेटेरियल की एबिलिटी करंट को अपोज करने की कम है, किसी मेटेरियल की एबिलिटी करंट को अपोज करने की ज्यादा है। जैसे हम बात करेंगे कनेक्टर के लिए तो कनेक्टर के अंदर जो रेजिस्टिविटी है वो कम होती है क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी करंट को अपोज करने की कम है। इंसुलेटर जो होते हैं उनके अंदर करंट को अपोज करने की एबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। कनेक्टर और इंसुलेटर के अंदर इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। तो रेजिस्टिविटी को डिनोट किया गया, रो से डिनोट किया गया। तो ये हमारे पास रिलेशन था आर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में। अब रेजिस्टिविटी को हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इक्वल टू आपका था रो एल बाई ए। अब लेंथ अगर 1 मीटर है वायर की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका वायर का 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस केस में आर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, रो के इक्वल आएगी। तो आपका जो रेजिस्टिविटी है वो न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस आ गया, इसलिए इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी का जो अदर नेम जो आपको पता होना चाहिए वो क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। अभी रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे इसको तो रो इज इक्वल टू क्या आएगा, आर ए बाई एल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टिविटी, आर ए बाई एल। इसमें अगर इसकी SI यूनिट निकालेंगे तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगी, R रेजिस्टेंस के लिए तो होगी ओम, एरिया के लिए क्या हो गया मीटर स्क्वायर, डिवाइड में लेंथ के लिए क्या आ गया मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ओम मीटर। तो ओम मीटर जो है वो SI यूनिट आ गई किसके लिए, रेजिस्टिविटी के लिए। तो इस तरीके से आप इसकी SI यूनिट निकाल सकते हैं रेजिस्टिविटी के केस में। और रेजिस्टिविटी जो होती है, सपोज क्या मेरे पास कोई वायर है, ये वायर है, इसकी लेंथ दे रखी है L, इस वायर को आपने स्ट्रेच कर दिया और इसकी लेंथ सपोज किया ये हो गई 2.5L हो गई। तो यहाँ पे जो वायर थी उसकी रेजिस्टिविटी रो थी, तो जो न्यू जो एक्सटेंशन आया वायर के अंदर सेम वायर थी तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, रो होगी। क्योंकि रो जो होता है वो किसको डिफाइन करता है, नेचर ऑफ मटेरियल को, नेचर ऑफ किसको डिफाइन करता है, मटेरियल को डिफाइन करता है रो। आपने वायर को जस्ट स्ट्रेच किया है, तो अगर वो कॉपर वायर थी और कॉपर वायर को स्ट्रेच किया है तो उस केस में वो वायर चेंज नहीं होगी, वो कॉपर की ही रहेगी। तो जो रेजिस्टिविटी उसकी ओरिजिनल थी उसकी रेजिस्टिविटी बाद में भी क्या रहेगी, रो ही रहेगी। लेकिन वायर को आपने स्ट्रेच कर दिया तो उसके रेजिस्टेंस में चेंज आता है, वो रेजिस्टेंस में चेंज कितना आएगा वो नेक्स्ट अभी पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास ये वायर है, इसकी लेंथ है एल, इस वायर को आपने स्ट्रेच कर दिया और लेंथ कर दिया आपने 2L, इस वायर की रेजिस्टिविटी रो थी
तो आपको बताना है कि जो फाइनल रेजिस्टिविटी क्या आएगी, इसका रेजिस्टेंस आर था तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना आएगा। सेम वायर है, उस वायर की लेंथ एल गिवन थी और इसकी रेजिस्टिविटी रो थी, लेंथ इसकी एल थी, लेकिन इस वायर को आपने स्ट्रेच कर दिया और लेंथ इसकी ट्वाइस हो गई, टू एल हो गई। तो फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसमें रेजिस्टिविटी क्या रहेगी। लेकिन हम रेजिस्टेंस को निकालेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी, इसमें आपका डायरेक्टली एक फॉर्मूला लगता है, आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर, आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर। इसको हम सिंप्लीफाई करके भी बताएंगे कि ऐसा फैक्टर क्यों आया है। तो आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई आर, ये लेंथ जो है वो ट्वाइस हुई है, डबल हुई है, तो ये जो फैक्टर है यहाँ पे वो एन की वैल्यू क्या रखेंगे, टू रखेंगे। तो टू का स्क्वायर इंटू में कितना आ जाएगा, आर। तो आर डैश की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, फोर आर आ जाएगी। मीन्स किसी वायर को आपने डबल कर दिया लेंथ के अंदर, किसी वायर को आपने डबल कर दिया लेंथ के अंदर, तो उसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, फोर टाइम्स ऑफ दी ओरिजिनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर इसी वायर को मैं थ्राइस कर देता, थ्री टाइम कर देता, तो इसका रेजिस्टेंस कितना आता, कमेंट करें। तो यहाँ पे ये वायर की रेजिस्टिविटी रो है, तो ये जो वायर की रेजिस्टिविटी वो कितनी है, रो डैश। तो रो डैश इज इक्वल टू क्या रहेगा, रो रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वायर की अगर आपने लेंथ बढ़ाई है तो उस केस में उसकी रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो वायर आपने कॉपर की ली है वो कॉपर की ही रहेगी स्ट्रेच करने के बाद। वो जो हमारे पास रेजिस्टिविटी होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल को डिफाइन करता है, वो नेचर ऑफ मटेरियल को डिफाइन करता है, उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, बट रेजिस्टेंस वायर का चेंज होगा। और वो रेजिस्टेंस किस फैक्टर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अगर लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो एन स्क्वायर इंटू में आर आ जाएगा, और एन की वैल्यू डबल हुई है तो टू का स्क्वायर इंटू में कितना आ गया, आर आ गया। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, सिंपल वन मार्क्स क्वेश्चन के लिए इसको आप रिमेंबर रख सकते हैं। अगर आपका ये लेंथ ही अगर थ्री मार्क्स में इसको आता है क्वेश्चन, तो उसका अलग तरीका करवाते हैं। यहाँ पे इस वायर को आपने स्ट्रेच किया था और स्ट्रेच करने के बाद इसकी लेंथ हो गई थी 2L, ये लेंथ हो गई थी 2L, इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, R डैश निकालना है, रेजिस्टिविटी इसकी रो रहेगी, सेम रहेगी। अब इसका हमें R डैश कैसे निकालेंगे, अभी देखें। पहले मैं फर्स्ट केस में, ये इनिशियल स्टेट थी, ये फाइनल स्टेट है वायर की, तो इनिशियल स्टेट के केस में रेजिस्टेंस जो रहेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी, रो एल बाई ए, इसको आप आर ले लें, रेजिस्टिविटी रो है, लेंथ एल है, एरिया को मैंने मान लिया ए वन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैंने मान लिया, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए वन है। अब इस वायर को आपने ट्वाइस कर दिया लेंथ में, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर डैश इज इक्वल टू रो इंटू में, रो इंटू में लेंथ को डबल किया है तो ये टू एल आ जाएगा, एंड डिवाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ जाएगा, इसको लिखेंगे ए टू, इसको लिख सकते हैं हम ए टू। अब दोनों रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दे, रेजिस्टेंस को डिवाइड करेंगे तो आर डैश बाई आर इज इक्वल टू क्या आएगा, रो इंटू में टू एल डिवाइड बाई ए टू डिवाइड में रो इंटू में एल डिवाइड बाई क्या आएगा, ए वन। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो रो से रो कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, टू इंटू में ए वन बाई ए टू आ जाएगी, टू इंटू में ए वन बाई ए टू आ जाएगी। अब आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा कि ए वन और ए टू में क्या रिलेशन है। तो देखो ये वायर थी, इसका वॉल्यूम अगर मैं निकालता हूँ तो इस वायर का वॉल्यूम क्या रहेगा, एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ एल, यानी कि इसको ए वन माना गया है। सेकेंड वायर के लिए वॉल्यूम कितना रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि वायर को आपने छेड़ा नहीं है, मतलब आपने उसके अंदर कोई एडिशन नहीं किया है, कोई आपने उसके अंदर से कुछ कम नहीं किया है, जस्ट उसी वायर को एक्सटेंड किया है। तो इस केस में वॉल्यूम की वैल्यू क्या आएगी, ए टू मल्टीप्लाई बाई कितना रहेगा, एल, एल कितना था, टू एल था, तो ये वॉल्यूम आपका आ गया। दोनों को बराबर रखेंगे, इक्वल रखेंगे, तो ए वन इंटू में एल इज इक्वल टू ए टू इंटू में कितना आ जाएगा, टू एल, और एल से एल क्या हो गया, कैंसिल, तो ए वन बाई ए टू की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, टू रेसो वन आ गई। ए वन बाई ए टू की वैल्यू क्या आ गई, टू रेसो वन। इस ए वन बाई ए टू की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास रेजिस्टेंस आर डैश बाई आर की वैल्यू क्या आएगी, टू मल्टीप्लाई बाई ए वन बाई ए टू, और ए वन बाई ए टू कितना है, टू बाई वन, तो आर डैश बाई आर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, फोर बाई वन, एंड आर डैश इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ क्या आ गया, आर आ गया। तो ये आपका फॉर्मूला सेम आया है, सेम आंसर आया है, जो हमने एन स्क्वायर आर का फॉर्मूला अप्लाई किया था उसी के अकॉर्डिंग आपने न्यू रेजिस्टेंस निकाल दिया जब किसी वायर को स्ट्रेच किया जाता है। तो आपको ये कंप्लीटली अगर आता है थ्री मार्क्स में तभी क्वेश्चन इस तरीके से करना है, अदरवाइज आपको अपना टाइम सेव करना है, आप फॉर्मूला यूज करेंगे आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर।
अब वायर को कितना स्ट्रेच किया वो एन की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। अब इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये वायर है, इसकी लेंथ एल थी, अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है ए, लेंथ एल गिवन है, रेजिस्टिविटी रो गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है आर। अब आपको क्वेश्चन में कह दिया कि इस वायर को आपने स्ट्रेच कर दिया और स्ट्रेच करने से इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया ए बाई टू, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया ए बाई टू। तो आप मुझे बताएंगे कि रेजिस्टिविटी क्या आएगी और रेजिस्टेंस क्या आएगा, ये दोनों वैल्यू आप बताएंगे कमेंट करके। नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो होता है उसको कंडक्टेंस बोलते हैं, और इसको जी से नोट करते हैं, जी की वैल्यू क्या आएगी वन बाई आर आ जाएगी, वन बाई आर। अब कंडक्टेंस जो होता है उसका सिंपल मीनिंग क्या होता है, इट इज अलाउ टू द फ्लो ऑफ करंट, टू द फ्लो ऑफ करंट। जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया था कि इट इज जस्ट अ पोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट, और ये क्या है, इट इज अलाउ टू द फ्लो ऑफ करंट, उसको बोलते हैं हमें कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या रहेगी, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या रहेगी, क्या रहेगी, वन बाई ओम, वन बाई ओम। इसको आप लिखेंगे ओम इनवर्स, या इसको आप लिख सकते हैं मो, एम एच ओ मो, इसको इनवर्स लेंगे तो एम एच ओ ऐसे लिख सकते हैं, और इसी टर्म को आप बोल सकते हैं साइमन, ऐसे नोट करेंगे। तो ये आपकी कंडक्टेंस की यूनिट होती है ओम इनवर्स मो और साइमन, ये हमें कंडक्टेंस की यूनिट डिफाइन करनी है इस तरीके से। और कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, जस्ट टू अलाउ द फ्लो ऑफ करंट इन ए वायर, इन ए कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। नेक्स्ट जो टर्म है वो है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होगी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी को सिग्मा से नोट करते हैं और रेजिस्टिविटी को रो से नोट करेंगे, ये रेजिस्टिविटी का उल्टा होती है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है। रेजिस्टिविटी का मीनिंग क्या था कि एबिलिटी ऑफ ए मेटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, लेकिन कंडक्टेंस का मीनिंग या कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या है, कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मेटेरियल टू अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट। करंट के अलाउ करने की जो एबिलिटी होगी मटेरियल के अंदर, उसके अंदर से जो अलाउ करने की एबिलिटी होगी उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को सिग्मा से नोट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू वन बाई क्या रहेगा रो, इसकी यूनिट लेंगे आप फॉर्मूला आगे लिखते हैं तो वन बाई रो, रो का फॉर्मूला था आपका आर ए बाई एल, क्योंकि रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला था आर ए बाई एल, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो एल बाई कितना आ जाएगा आर ए। तो कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला आ जाएगा लेंथ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस इन टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये सिग्मा की हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब यूनिट क्या रहेगी, ऐसा यूनिट ऑफ सिग्मा कंडक्टिविटी क्या यूनिट रहेगी, सिग्मा के लिए यूनिट रहेगी लेंथ, लेंथ के लिए क्या है मीटर, रेजिस्टेंस के लिए क्या है ओम, एरिया के लिए क्या है मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर क्या हो गया कैंसिल, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स को ही क्या लिखेंगे मो मीटर इनवर्स, यही यूनिट किसके इक्वल होगी साइमन मीटर इनवर्स, ये तीनों ही यूनिट आपकी किसके लिए रहेंगी कंडक्टिविटी के लिए रहेंगी। ओम इनवर्स मीटर बाय ओम इनटू मीटर स्क्वायर, मीटर से एक कैंसिल हो गया तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आ गया, ओम इनवर्स को ही क्या लिखा मो एम एच ओ मो, मीटर इनवर्स एज इट इज रहेगा, और मो को ही क्या लिखते हैं साइमन, एस से नोट करते हैं, और इनटू में क्या रहेगा मीटर इनवर्स रहेगा। तो दीज आर दी एसआई यूनिट्स ऑफ दी कंडक्टिविटी। तो इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया होगा कि कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है और कंडक्टिविटी क्या होगी। अब क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन से मटेरियल के लिए, कंडक्टर और इंसुलेटर में से कौन से मटेरियल के लिए कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगी, जस्ट आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स या रेजिस्टेंस, कैसे रेजिस्टेंस को हम कंबाइन करते हैं,
सीरीज में, पैरेलल में, और आपके दोनों ही हो सकते हैं सीरीज और पैरेलल एक इस क्वेश्चन के अंदर, एक ही सर्किट के अंदर। तो पहले हम इनके फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा? ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस दे रखा है आर वन, ये रेजिस्टेंस आर टू है, और ये रेजिस्टेंस क्या है आर थ्री। इन तीनों रेजिस्टेंस को आपने बैक टू बैक कनेक्ट किया है एक दूसरे के साथ। रेजिस्टेंस आर वन, आर टू एंड आर थ्री तीनों को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, बैक टू बैक कनेक्ट किया है। ये थ्री टाइप से मान लिया जाए ये वायर है, इन तीनों को आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया वन एंड किसी दूसरे एंड से कंसेक्यूटिव, मतलब ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन आएगा इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और ये मैं क्या लगाता हूँ, यहाँ पे सेल लगाता हूँ। ये सेल हमारे पास, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये पोटेंशियल इसका वी है। सेल आपको पता है कि ये एक डिवाइस होता है विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और सेल का ईएमएफ होता है, सेल का ईएमएफ होता है जो मैक्सिमम वोल्टेज होती है उसके अंदर। तो यहाँ पे ये वी है, ये इससे करंट निकला कितना, आई, करंट निकला आई। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपकी जो पाथ है करंट के फ्लो करने के लिए वो एक सिंगल पाथ है। तो यहाँ पे सिंगल पाथ है तो करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो करंट आई की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, सेम। बट जो पोटेंशियल जो रहेगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। वो आपका हर एक रेजिस्टेंस के अंदर से अलग अलग आएगा। जैसे करंट की वैल्यू को तो मैंने कॉन्स्टेंट सेम ले लिया है, लेकिन इसके क्रॉस वोल्टेज क्या आएगी, वी वन, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या आएगी, वी टू, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या आएगी, वी थ्री। तो यहाँ पे वोल्टेज वी वन, जो वोल्टेज यहाँ पे थी वो तीनों रेजिस्टेंस में डिवाइड हो गई, बट करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे आप वोल्टेज जो है उसको हम ऐड कर देते हैं, वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब तीनों वोल्टेज को आपने ऐड किया, V1, V2 और V3 को, तो टोटल वोल्टेज भी आ गई। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इनके फॉर्मूले रखते हैं यहाँ पे, तो V की वैल्यू किसके पर आ जाएगी, आई आर इज इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या आएगी, आई इंटू आर वन, प्लस V2 की वैल्यू क्या आएगी, आई इंटू आर टू, V3 की वैल्यू क्या आएगी, आई इंटू आर थ्री। मैंने सब जगह यहाँ पे आई सेम लिया है, कॉन्स्टेंट लिया है, क्योंकि आपको बताया गया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही पाथ होता है, तो करंट की वैल्यू भी क्या रहेगी, एक ही रहेगी, करंट भी आपका सेम रहेगा। तो आई आर इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, आई दोनों साइड से कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आई इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आई से आई क्या हो गया, कैंसिल। तो जो रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, आर वन प्लस आर टू प्लस क्या आ जाएगा, आर थ्री। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, और इसको हम डिनोट कर सकते हैं आर एस से। तो सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस आपके डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जैसे मेरे पास एक रेजिस्टेंस आर वन है, एक रेजिस्टेंस यहां पे R2 है, एक रेजिस्टेंस यहां पे R3 है। इन तीनों रेजिस्टेंस को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। कैसे, ये जो पोर्शन है इस रेजिस्टेंस का, ये जो एंड है वो यहां पे कनेक्ट है, इस रेजिस्टेंस का ये वाला एंड यहां पे कनेक्ट है, इस रेजिस्टेंस का ये वाला एंड यहां पे कनेक्ट है। कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, और दूसरे एंड जो है वो बी पॉइंट पे कनेक्ट है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं इस कॉम्बिनेशन को। और यहां पे अगर आप सेल लगाते हैं, ये सेल लगाई मैंने, ये सेल लगाई यहां पे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पोटेंशियल कितना है, वी है। तो इससे करंट आई सर्किट में फ्लो करेगा, करंट आई। अब यहां पे जो आई करंट है उसके लिए तीन पाथ आ गए हैं, R1 के क्रॉस, R2 के क्रॉस और R3 के क्रॉस। तो ये करंट यहाँ पे जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, ये करंट आ गया यहाँ पे I1, ये करंट कितना आ गया I2, और ये करंट कितना आ गया I3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड, करंट क्या रहेगा, डिवाइड। और पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। ये आपको रिमेंबर रखना है कि करंट आपका डिवाइड होता है और वोल्टेज आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जो डिवाइड हो रखा है उसको कलेक्ट कर लो, जो डिवाइड हो रखा है उसको कलेक्ट कर लो, I इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। अब I की वैल्यू को क्या लिखेंगे, V बाई आर, आई वन को क्या लिखेंगे, V बाई आर वन, प्लस आई टू को क्या लिखें, V बाई आर टू, प्लस V बाई कितना आएगा, आर थ्री। तो यहां से V को हम कैंसिल करेंगे दोनों साइड, तो वन बाई आर इंटू वी इज इक्वल टू, वी कॉमन ले लो पहले, तो वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री,
तो यहां से वी क्या हो गया कैंसिल, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा पैरेलल कम्बिनेशन में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये आपका रेजिस्टेंस आ गया पैरेलल कम्बिनेशन में। तो इस तरीके से आप सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन के रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं, फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके नंबर ऑफ न्यूमेरिकल हमें डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल के। अब हमारे क्वेश्चन आते हैं रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन के, कुछ न्यूमेरिकल को हम सॉल्व आउट कर रहे हैं। सिंपल टू सिंपल पहले एक बार क्वेश्चन लिखते हैं। ये हमारे पास गिवन रेजिस्टेंस है सपोज क्या 5 ओम का, ये गिवन आपका 10 ओम का और ये गिवन आपका 20 ओम का। ये तीन रेजिस्टेंस आपको R1, R2 और R3 दे रखे हैं, तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज में आपको पता है कि डायरेक्टली ऐड कर देते हैं तो 5 प्लस 10 प्लस 20, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया 35 ओम आ जाएगा। तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया 35 ओम। ये बिल्कुल इजीएस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आगे लेते हैं, ऐसे ही हमारे पास सपोज किया ये रेजिस्टेंस 15 ओम का है, ये रेजिस्टेंस भी 15 ओम का है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ये भी 15 ओम का है। तीनों रेजिस्टेंस को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस गिवन है, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15 और इसको आप सोल्ड आउट करेंगे तो 1/R की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 3/15। तो R की वैल्यू को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा। इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू कैंसिल होने पे 1/5 आ रही है और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई 5 ओम आ गई। तो पैरेलल में आपको बताया कि फॉर्मूला ये लगता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से आप रेजिस्टेंस के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कंडक्टिविटी की SI यूनिट क्या होगी, कमेंट करके जल्दी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। इसमें सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा, जैसे ये आपको रेजिस्टेंस गिवन है, एक रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, ये हमारे पास है 10 ओम, ये 20 ओम, ये 30 ओम और ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब आपको ये ज्वाइन कर रखा है, दिस इज कनेक्टेड टू दिस पॉइंट एंड दिस इज कनेक्टेड टू दिस पॉइंट, तो आपको बताना है कि टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपको देखना है कि सीरीज में है या पैरेलल में कनेक्शन है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इस रेजिस्टेंस 10 ओम का एक एंड जो है वो बाकी दूसरे एंड से आपने कॉमन किया हुआ है, यानी कि 20 ओम रेजिस्टेंस और 30 ओम रेजिस्टेंस के एक एक पॉइंट पे आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है और जो बाकी जो सेकेंड जो रेजिस्टेंस के दूसरे जो एंड हैं वो दूसरे एंड पे कनेक्ट हैं, तो ऐसे कम्बिनेशन को हम क्या नाम देते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। तो पैरेलल कम्बिनेशन का ये आपका क्वेश्चन है। पैरेलल कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 और इसको सोल्ड आउट करेंगे तो 1/R इज इक्वल टू 66 प्लस 3 प्लस 2 और सोल्ड आउट करने पे 16/60, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/11 ओम। तो इस तरीके से आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर ये देख करके कि कौन कौन से रेजिस्टेंस आपके सीरीज में कनेक्ट है और कौन कौन से रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में कनेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ये नेटवर्क गिवन है रेजिस्टेंस का, ये ऐसे गिवन नेटवर्क और आपसे पूछा गया कि ए पॉइंट के अक्रॉस और बी पॉइंट के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा। ये 10 ओम रेजिस्टेंस, ये 10 ओम रेजिस्टेंस, ये 20 ओम रेजिस्टेंस, दिस इज आल्सो 20 ओम रेजिस्टेंस। तो आपसे पूछा गया है कि इसका टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, जस्ट इस वायर को बेंड किया गया है तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि 10 ओम रेजिस्टेंस और 10 ओम रेजिस्टेंस दोनों आपस में सीरीज में कनेक्ट है और 20 ओम रेजिस्टेंस और 20 ओम रेजिस्टेंस क्या है सीरीज में कनेक्ट है। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि सीरीज में आपकी कौन सी क्वांटिटी आपकी कॉन्स्टेंट रहती है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कॉन्स्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे 10 ओम 20 ओम रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है, तो इन दोनों को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इस नेटवर्क को ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं कि जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा इन दोनों का कंबाइन टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 10 प्लस 10 कितना आ गया 20 ओम। तो इसको लिखेंगे 20 ओम
और ऐसे यहां पे 20 प्लस 20 कितना हुआ 40, तो इसको लिखेंगे 40 ओम। तो ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये कितना आ गया 40 ओम। मीन्स हमने इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर लिया और सिंप्लीफाई करने के बाद टोटल रेजिस्टेंस इस तरीके से आपने इस नेटवर्क को रिड्यूस किया गया। तो यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस अब आपके किस में कनेक्ट है, पैरेलल में है, और पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं R1 R2 डिवाइड में R1 प्लस R2। अगर आपको दो रेजिस्टेंस गिवन है तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, जैसे आपको पता है कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होगा, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो 1/R की वैल्यू क्या आएगी, R1 R2 R1 प्लस R2, और इसको रेसिप्रोक कर लेंगे तो क्या हमारे पास सेम टर्म आ जाएगी R1 R2 डिवाइड में R1 प्लस R2। तो ऊपर आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस और नीचे आ गया सम ऑफ द रेजिस्टेंस। तो R1 की वैल्यू कितनी गिवन है, R1 की वैल्यू है 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाई R2 कितना है 40, तो 40 डिवाइड में R1 प्लस R2 कितना आ गया 20 प्लस 40 कितना आ गया 60, कितना आ गया 60। तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 20 से 3 पे चला जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/3 ओम। तो ये हमारे पास टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया इस कंप्लीट नेटवर्क का, इस कंप्लीट नेटवर्क का अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा, बिकॉज दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, दीज आर आल्सो कनेक्टेड इन सीरीज, देन दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एंड पैरेलल के केस में आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि कोई वायर गिवन है, ये स्ट्रेट वायर है, इसमें स्ट्रेट वायर की जो लेंथ है वो एल है, रेजिस्टेंस क्या है आर है, इस वायर को बेंड कर दिया गया इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कल की फॉर्म में इसको बेंड किया गया, सर्कुलर शेप में इसको बेंड कर दिया गया। तो आपको ये बताना है कि इसके डायमीटर के अक्रॉस, इसके डायमीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना रहेगा, ए बी टर्मिनल के अक्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी। अगर ये हमारे पास वायर थी जिसको लेंथ एल लिया गया है, रेजिस्टेंस आर है, इसको बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ द सर्कुलर शेप, तो इस केस में आपका टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस अलोंग द डायमीटर क्या होगा। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि टोटल लेंथ जो है वो इसके किसके इक्वल आएगी, इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल आ जाएगी, एल इज इक्वल टू कितना आएगा 2πr आएगा। मीन्स आपने इस वायर को लेंथ को बेंड कर दिया सर्कुलर फॉर्म में, तो आपका हाफ पोर्शन जो आएगा वो अबो दिस डायमीटर अक्रॉस ए भी आ गया, और हाफ पोर्शन आपका कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया। तो इसको हम लिखेंगे कि इस वायर का जो अपर पोर्शन ऑफ द वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, R/2 हो गया, हाफ हो गया। नीचे वाली वायर का रेजिस्टेंस कितना हो गया, R/2 हो गया, हाफ हो गया। अब दो रेजिस्टेंस आपके कैसे कनेक्ट हैं, दीज आर कनेक्टेड टू पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है, बिकॉज अगर मैं इसको वायर को रेजिस्टेंस की फॉर्म में शो करूँ तो ये रेजिस्टेंस आ गया, इस पोर्शन को रेजिस्टेंस की फॉर्म में शो करूँ तो ये रेजिस्टेंस आ गया। अब इस रेजिस्टेंस का एक एंड यहाँ पे कनेक्ट है, इस रेजिस्टेंस का एक एंड यहाँ पे कनेक्ट है, दोनों पॉइंट ए पॉइंट पे कनेक्ट है, बाकी दोनों पॉइंट बी पॉइंट पे कनेक्ट है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, R/2 मल्टीप्लाई बाई R/2 डिवाइड बाई R/2 प्लस R/2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो R² / 4 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा, और ये डिवाइड में वन है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आर डैश वैल्यू क्या आएगी, R² / 4 इंटू 1/R, आर से आर कैंसिल हो गया, आर डैश वैल्यू कितनी आ जाएगी, R/4 आ जाएगी। तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा R/4। तो इस तरीके से आप टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं अक्रॉस द डायमीटर ऑफ दिस वायर। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि ये हमारे पास ग्राफ गिवन है, आई और वी के बीच में ग्राफ गिवन है, ये आपको दो मटेरियल के लिए ग्राफ बनाया गया है ए और बी के लिए। तो आपको ये बताना है कि कौन से मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, कौन से मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, आर ए इज ग्रेटर देन आर बी और आर बी इज ग्रेटर देन आर ए। आपको जस्ट कमेंट करके इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज दिस इज द वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल, ये एक वायर है जिसको बेंट किया गया है सर्कल के फॉर्म में, और ये इसका सेंटर पॉइंट है ओ, इसकी रेडियस ले रखी है आर, आर इज द रेडियस ऑफ दिस
सर्कुलर शेप एंड वायर को बेंड किया गया है, दिस इज द पॉइंट ए और ये पॉइंट आपका बी है, और बी पॉइंट के साथ यहाँ पे सेंटर पे कितना एंगल बना है, 90 डिग्री एंगल बना है। ये कंप्लीट वायर जो थी उसका रेजिस्टेंस था कंप्लीट का आर, टोटल रेजिस्टेंस कंप्लीट वायर का था आर, और इस वायर के अंदर आपको टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस ए एंड बी, ए एंड बी पॉइंट के अक्रॉस टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, आपको ये पता है कि टोटल जो हमारे पास एंगल बनेगा 360 डिग्री का बनेगा, कंप्लीट सर्कमफेरेंस के लिए कंप्लीट एक रोटेशन के लिए जो एंगल बनेगा 360 डिग्री का बनेगा। तो इसमें आप टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री अगर हमारे पास एंगल गिवन है, 360 डिग्री एंगल गिवन है तो उसके लिए टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, आर है। 360 डिग्री एंगल के लिए रेजिस्टेंस कितना है, आर है। 1 डिग्री के लिए निकालेंगे तो उसमें हमारे पास कितना आ जाएगा, आर बाई 360 आ जाएगा, और हमें निकालना 90 डिग्री के लिए तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 360 इंटू 90। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आर बाई कितनी आ गई, 4, यानी कि रेजिस्टेंस आ गया आर बाई 4। तो आर बाई 4 रेजिस्टेंस कौन सी वायर का है, इसको हम अदर वेरिएबल ले लेते हैं स्मॉल आर, क्योंकि रेजिस्टेंस और कैपिटल आर ये डिफरेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आर बाई 4, इसका रेजिस्टेंस आर बाई 4 है, केवल जो आपकी ए और बी के अपर साइड जो वायर है इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर बाई 4। टोटल रेजिस्टेंस कितना था कंप्लीट वायर का, आर। तो यहाँ पे जो वायर बची है, जो लोअर पोर्शन बचा है, इस वायर का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस, इसको मैंने मान लिया दिस इज आर वन और ये हमारे पास आर टू, आर टू किसके इक्वल आएगा, आर माइनस आर बाई 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3R बाई कितनी आ गई, 4 ओम आ गई। ये रेजिस्टेंस आर टू आ गया, ये रेजिस्टेंस आर वन आ गया। अब हम ये चेकआउट करेंगे कि ए और बी के क्रॉस रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर बाई 4 है। यहाँ पे जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर बाई 3R बाई कितना है, 4 है। तो इन दोनों रेजिस्टेंस को आप किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू होगी, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू होगी, आर इक्विवेलेंट जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आर बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3R बाई 4 डिवाइड बाई आर बाई 4 प्लस 3R बाई 4। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू आ रही है किसके इक्वल, 3R स्क्वायर बाई 4 डिवाइड बाई 4R बाई 4, दिस इज कैंसिल आउट। तो हमारे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3R स्क्वायर बाई 4 इंटू में 1/R, R से R कैंसिल, क्या आंसर आ गया, 3R बाई 4। दिस इज द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस पोर्शन ऑफ द वायर, ए बी अक्रॉस आप रेजिस्टेंस निकालोगे तो 90 डिग्री का पार्ट आपने निकाल लिया। आप इसमें ये यूनिटरी मेथड का भी यूज नहीं कर सकते, सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 360 में अगर आर रेजिस्टेंस है तो उसके फोर्थ पार्ट में कितना आ जाएगा, आर बाई कितना आ जाएगा, 4, आर बाई 4 आ गया। तो आर बाई 4 रेजिस्टेंस ये आ गया, टोटल रेजिस्टेंस आर था, तो इस पोर्शन का रेजिस्टेंस कितना आ गया, आर माइनस आर बाई 4। इससे आपकी रेजिस्टेंस आर टू की वैल्यू आ जाएगी 3R बाई 4। अब 3R बाई 4 तो रेजिस्टेंस इसका है, ऊपर रेजिस्टेंस R बाई 4 है, दोनों किस में हो गए, पैरेलल में, और पैरेलल में आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो R1 R2 डिवाइड में R1 प्लस R2, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन ओम्स लॉ से भी निकाल लेते हैं, ओम्स लॉ के लिए भी, जैसे हमारे पास ये 5 ओम रेजिस्टेंस गिवन है, ये 10 ओम रेजिस्टेंस गिवन है, दिस इज 20 ओम रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आपने ये सेल लगा दी या बैटरी लगा दी यहाँ पे। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, इसका पोटेंशियल सपोज किया 10 वोल्ट है, यहाँ पे करंट जो जा रहा है वो कितना जाएगा, आई, हमने आई वेरिएबल लिया यहाँ पे। तो इस केस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पहले तो आपका केस ये है कि आई की वैल्यू क्या रहेगी, आई की वैल्यू क्या रहेगी कंप्लीट सर्किट के अंदर। दूसरा केस ये है कि सपोज किया मैंने इसमें से करंट I1 मान लिया तो I1 की वैल्यू क्या रहेगी, और थर्ड पॉइंट ये है सपोज किया मैंने इस पॉइंट A मान लिया, दिस इज द पॉइंट B मान लिया, तो इस VAB मतलब वोल्टेज अक्रॉस A एंड B क्या रहेगी, VAB बोलेंगे इसको, तो ये कैसे निकालेंगे। तो ये कुछ पॉइंट हमें ओम्स लॉ का यूज करते हुए इस न्यूमेरिकल को सोल्व आउट करना है।
तो सबसे पहले आपको करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल वोल्टेज यानी कि गिवन है 10 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे कि दीज टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द 5 ओम रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, यहां से आप सोल्ड आउट करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालो इसका, टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा वो निकालना है। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है कि 10 और 20 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो मैं पहले रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ R1। R1 की वैल्यू क्या आएगी, या इसको R डैश वेरिएबल ले लेते हैं, ये R1 है, ये सपोज की R2 है, ये सपोज की R3 है। तो R1 R2 जो है वो हमारे पास कैसे है, पैरेलल में कनेक्ट है, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे क्या, R1 R2 डिवाइड में R1 प्लस R2, R1 R2 डिवाइड में R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी है, 10 है, ये 20 है, और 10 प्लस 20 कितना हुआ, 30। इसको सोल्ड आउट करेंगे तो ये हमारे पास R डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 20/3 ओम आ गई, यानी कि इस कंप्लीट इन दोनों का जो रेजिस्टेंस आ गया 20/3 आ गया। बट जो यहाँ पे रेजिस्टेंस आया दोनों का वो इसके साथ क्या रहेगा, सीरीज के अंदर। अब सीरीज के अंदर रहेगा तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस R डबल डैश मैंने ले लिया, R डबल डैश की वैल्यू क्या आएगी, 5 प्लस 20 बाई 3। इसको हम सोल्व करेंगे तो 15 प्लस 20 बाई 3, और ये सोल्ड आउट करने पे 35 बाई कितना आ गया, 3 ओम रेजिस्टेंस आ गया, 35/3 ओम रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से आपका टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लिया हमने। अब हमें ओम्स लॉ का यूज करना है, तो आई की वैल्यू क्या होगी, V/R हो जाएगी, और आई इज इक्वल टू वी, वी कितना गिवन है, 10 वोल्ट है, तो 10 रख देंगे, और रेजिस्टेंस कितना है, टोटल 35/3 आया है, तो 35/3 3 ऊपर चला जाएगा, तो आई की वैल्यू किसके को आ जाएगी, 30/35। इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 6/ कितना आ गया, 7। तो टोटल जो करंट आया है सर्किट के अंदर वो 6/7 एम्पियर आ चुका है, टोटल जो करंट आया है वो 6/7 एम्पियर आ चुका है। तो सबसे पहले आपको टोटल करंट निकालना था कि इसमें टोटल करंट कितना आएगा, तो आपका पहला पॉइंट जो आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6/7 एम्पियर। यहाँ पे आपको जस्ट ये देखना है कि टोटल जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे दोनों का वो R डैश आया है, वो R डैश इसके साथ सीरीज में है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो सीरीज में रेजिस्टेंस आ गया 15 प्लस 20 35/3। ये रेजिस्टेंस जो आया है इस वोल्टेज से इसको डिवाइड कर देंगे, वोल्टेज को इससे डिवाइड करेंगे तो V/R 10/35/3, तो 30/5 6/ कितना आ गया, 7 एम्पियर आ गया। अब हमारा काम है सेकेंड I1 निकालना। अब हम यहाँ पे I1 कैसे निकालेंगे, ये जो करंट I1 है इसको कैसे निकाला जाएगा। अब आपको भी पता है कि इसको तभी निकाल पाएंगे जब इसके अक्रॉस वोल्टेज पता होगी, क्योंकि I1 की वैल्यू आएगी V डिवाइड बाई दिस रेजिस्टेंस। तो V का मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे 10 ओम के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आएगी, 10 ओम के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आएगी, तो इसको निकालना पड़ेगा पहले। तो टोटल करंट हमने निकाला है 6/7 एम्पियर। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सीरीज में पोटेंशियल सेम रहेगा या करंट सेम रहेगा। अब यहाँ पे V की वैल्यू 10 वोल्ट है, तो ये करंट आपका 6/7 एम्पियर, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जो आएगी इसको नाम दे दिया मैंने V1। तो V1 की वैल्यू किसके को आ जाएगी, करंट I मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस R3। करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस R3, करंट की वैल्यू कितनी है, 6/7 है, और R3 की वैल्यू कितनी है, 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 30/ कितना आ गया, 7 वोल्ट आ गया, 30/ कितना आ गया, 7 वोल्ट आ गया। ये 30/7 वोल्ट इस 5 ओम रेजिस्टेंस की वोल्टेज आ गई। अब मुझे निकालनी है कि ये 20 ओम रेजिस्टेंस और 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगी, इसको नाम दे दिया गया V2। अब V2 कैसे नाम देंगे, देखो V2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, V-V1। टोटल वोल्टेज 10 थी, अब इसमें से कुछ वोल्टेज तो इसने ले ली और कुछ वोल्टेज इन दोनों ने ले ली इकट्ठी मिला करके, तो यहाँ पे V-V1 निकालेंगे तो V कितना है, 10 है, और V1 कितना है, 30/7 है। इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो 70-30 कितना आ गया, 40/7 वोल्ट। तो हमारे पास टोटल वोल्टेज इसके अक्रॉस कितनी हो गई, 40/7 वोल्ट। अब मुझे बताएं कि अगर इसके अक्रॉस 40/7 वोल्ट है तो 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, जल्दी कमेंट करके बताएंगे।
अब हमने तो वैल्यू निकाली है, वी वन के क्रॉस आई है 30/7 और वी टू के क्रॉस आई है 40/7, ये दोनों वोल्टेज हमने निकाली है। अब आपको निकालना है करंट, जैसी वोल्टेज इस 20 ओम के साथ है वैसी वोल्टेज 10 ओम रेजिस्टेंस के साथ हो गई, तो यहाँ पे जो करंट I1 आ जाएगा वो वोल्टेज कितनी रहेगी, V2 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस R1। V2 वोल्टेज ये है और रेजिस्टेंस R1 10 ओम का है, तो V2 कितना हुआ 40/7 और रेजिस्टेंस R1 कितने का हुआ 10 का, तो इससे कैंसिल कर देंगे तो I1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 4/7 एम्पियर। तो सेकेंड जो हमारे पास आंसर आ गया वो आ जाएगा 4/7 एम्पियर। तो ये 4/7 एम्पियर करंट आ गया I1। आप मुझे बताएं कि जो ये 20 ओम रेजिस्टेंस जो है इसमें से कितना करंट जाएगा, 20 ओम रेजिस्टेंस में से कितना करंट जाएगा बताएंगे। अब हम इसको कैसे करेंगे आगे, अब आपका है थर्ड पॉइंट VAB, वोल्टेज अक्रॉस AB, A और B टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो क्या आएगी, मैंने इसके अक्रॉस वोल्टमीटर लगा दिया। वोल्टमीटर का काम आपको पता है क्या होता है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करना, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना दो पॉइंट के बीच में। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में आप पोटेंशियल वोल्टमीटर अप्लाई करते हैं, तो वोल्टमीटर में कितनी रीडिंग आएगी, जो वैल्यू V2 की आई है उतनी ही रीडिंग शो करेगा, और V2 की वैल्यू कितनी आई है 40/7 वोल्ट आई है, तो यहाँ पे जो वोल्टमीटर के अंदर जो रीडिंग आ रही है वो 40/7 क्या आ जाएगी वोल्ट आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब कौन कौन से इफेक्ट आते हैं करंट के अंदर, करंट जब किसी वायर में से जाता है तो उसके राउंड जो स्पेस होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, तो मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया। अब वायर के अंदर करंट जा रहा है तो उसके कारण उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको बोल दिया गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीट प्रोड्यूस होने से वायर के अंदर जब करंट जाता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, उस इफेक्ट को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट के अंदर कौन सा लॉ पढ़ेंगे हम, जूल्स हीटिंग लॉ, जूल्स हीटिंग लॉ। और जूल्स हीटिंग लॉ क्या है, जूल्स हीटिंग लॉ क्या है, जैसे मेरे पास ये एक वायर है और इस वायर के अंदर मैंने क्या किया, ये सेल लगा दी। अब सेल लगा दी, ये लेंथ है L वायर की, हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है V। अब आपको पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन किस साइड मूव करेंगे, टुवार्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ये इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल की तरफ मूव करेंगे, और इन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, कोलिजन होगा, और कोलिजन होने से क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो वो हीट कितनी आएगी वो आपको निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है कि W बाई क्यू होता है, वर्क डिवाइड बाई चार्ज होता है। तो आप इसमें वर्क को निकालेंगे तो Q इंटू कितना आ गया, V आ गया, Q इंटू कितना आ गया, V आ गया। बट वी नो डैट I इज इक्वल टू Q बाई टी, I इज इक्वल टू Q बाई टी, तो Q की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, I इंटू टी आ जाएगी। तो मैंने चार्ज की वैल्यू निकाल ली करंट और टाइम की फॉर्म में, ऐसे ही ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, Q को और V को यहाँ पे पुट करेंगे, तो वर्क की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, I इंटू टी इंटू आई आर। तो यहाँ से हमारे पास वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई स्क्वेयर आर इंटू टी, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, हीट बोल सकते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो फॉर्मूला रहेगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। ये आपका जो हीट का जो फॉर्मूला है वो किसकी फॉर्म में है, रेजिस्टेंस और करंट की फॉर्म में है। बट आप इसको वोल्टेज और रेजिस्टेंस की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, वी इज इक्वल टू आई आर ले लें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, और आई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, वी बाई आर आ जाएगी। इस वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, तो हीट का फॉर्मूला क्या जाएगा, वी स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई में आर इंटू टी, आर से आर कैंसिल हो गया, तो हीट का फॉर्मूला आ गया वी स्क्वेयर बाई आर इंटू टी, ये हीट का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है, अगर सीरीज की बात करेंगे तो करंट आपको पता है सेम रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, तो इन केस ऑफ दी सीरीज कम्बिनेशन आप ये हीट का फॉर्मूला यूज करेंगे, और इन केस ऑफ दी पैरेलल कम्बिनेशन आप हीट का फॉर्मूला ये यूज करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल क्या रहता है पैरेलल में सेम रहेगा। और भी हमारा फॉर्मूला है जिसमें वी और आई की फॉर्म में हम इस हीट को डिफाइन करेंगे, तो वो फॉर्मूला हमारा कैसे बनेगा, यहां पे हीट का फॉर्मूला लिखा है आई स्क्वायर आर टी एंड वी इज इक्वल टू आई आर आपको पता है, तो आर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, वी बाई आई आ जाएगी। इसको याद रखेंगे
तो हीट की वैल्यू किसके को आ गई, आई स्क्वायर इंटू में वी बाई आई इंटू टी, आई से आई क्या हो गया कैंसिल, तो हीट की वैल्यू किसके को आ गई, वी आई टी, इसको लिखेंगे वी आई टी। ये भी आपका हीट का फॉर्मूला है। तो हीट के आपके तीनों फॉर्मूले इक्वल आएंगे, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू वी आई टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। आप कोई भी आपका क्वेश्चन में यूज हो सकता है। और हीट के लिए जो हम यूनिट लेते हैं वो क्या होगी, जूल होगी। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी, इट इज द टाइम रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, इट इज द रेशो, इट इज द टाइम रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। और इसको आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि वर्क डिवाइड बाय टाइम। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो पावर को आप पी से नोट करेंगे, वर्क को डब्ल्यू से नोट करेंगे, टी को टाइम से नोट करेंगे। और W जो है यहाँ पे वो हमारे पास हीट के बराबर होगी, तो हीट की बाई क्या आ जाएगा, टाइम टी आ जाएगा। हीट की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, वी आई टी डिवाइड बाई टी, टी से टी कैंसिल हो गया, तो पावर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, वी आई आ गई। तो पावर की वैल्यू आ जाएगी वी आई, वी वोल्ट है, आई क्या यहाँ पे एम्पियर, तो पावर की वैल्यू आ गई वी आई। ये सिंपल फॉर्मूला आपने पढ़ा भी है, वी आई पावर का फॉर्मूला ये होता है, वोल्टेज इंटू करंट, पोटेंशियल इंटू करंट। इसको आप अदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, जैसे वी इज इक्वल टू क्या है आई आर, तो वी को आप यहाँ पे रखेंगे तो पावर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, आई स्क्वायर इंटू आर, ये पावर का फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही मैं अगर यहाँ से आई की वैल्यू पुट करता हूँ, वी नो डेट आई इज इक्वल टू वी बाई आर, इस आई को यहाँ पे पुट करता हूँ तो पावर किसके इक्वल आ जाएगी, वी स्क्वायर बाई कितनी आ गई, आर आ गई। तो ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला आ गया। इसी तरीके से ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है पैरेलल में, और ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है सीरीज में, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहेगा, पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जो एसआई यूनिट रहती है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वोट, ये वोट होती है, इसको डब्ल्यू से नोट करते हैं। और वन वोट इज इक्वल टू वन जूल डिवाइड बाई वन सेकेंड, अगर एक जूल का काम किया जाएगा एक सेकेंड में तो उसको हम बोलते हैं पावर को वाट। और वन वाट इज ऑल्सो इक्वल टू वन वोल्ट मल्टीप्लाई बाई वन एम्पियर, वन वाट इज ऑल्सो इक्वल टू वन वोल्ट मल्टीप्लाई बाई वन एम्पियर। इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि वी इंटू आई है, वी के लिए वोल्ट है और आई के लिए क्या है, एम्पियर है। ऐसे आपकी पावर की बात करें तो वन मेगा वाट, वन मेगा वाट कितना होता है, 10^6 वाट होगा। वन एच पी हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट होता है। एच पी होता है हॉर्स पावर, और ये वैल्यू कितनी रहेगी, 746 वाट रहेगी। अब आपसे क्वेश्चन है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, इसकी लेंथ एल है, इस वायर को 3 times कर दिया आपने, लेंथ को एक्सटेंड करके, एक्सटेंशन करके इसकी वायर जो है लेंथ वो 3L हो गई, तो इसका न्यू रेजिस्टेंस कितना आएगा, जल्दी कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल हमारा इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड है, दो आपको बल्ब दे रखे हैं, और दो बल्ब जो हैं, एक 60 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का बल्ब है, दोनों को किस में कनेक्ट कर दिया गया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया तो आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा ज़्यादा ग्लो करेगा, जिसकी ब्राइटनेस, किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा रहेगी, 60 वाट वाले बल्ब की या 100 वाट वाले बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा रहेगी, वो कैसे निकालेंगे। पावर का फॉर्मूला आपको पता है, आई स्क्वायर इंटू क्या होता है, आर होता है। पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर भी होता है, पावर का फॉर्मूला वी इंटू आई भी होता है। और पावर की यूनिट क्या होगी, कमेंट करके बताएं। तो पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। अब पावर जो है हमारे पास 60 वाट और 100 वाट दे रखी है, करंट आपको पता है ये सीरीज में कनेक्ट है, तो करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, आई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो पावर की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गई, रेजिस्टेंस आ गई। अब यहाँ पे पावर कौन से बल्ब की ज़्यादा है, 100 वाट वाले बल्ब की, तो 400 वाट बल्ब पावर इज मोर, पावर ज़्यादा है। अब पावर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट क्या रहेगा, कम रहेगा, और करंट कम है तो ब्राइटनेस क्या रहेगी, लो रहेगी, ब्राइटनेस क्या रहेगी, लो रहेगी, ये ब्राइटनेस कम हो जाएगी।
तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बल्ब जो आपका ज्यादा ग्लो करेगा, 60 वाट का बल्ब आपका क्या करेगा, ग्लो ज्यादा करेगा, अगर आपने दोनों को किस में कनेक्ट किया हुआ है, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। ऐसे ही हमारे पास दो बल्ब है, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे एक 60 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का बल्ब है, दोनों में कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा, तो ये कैसे निकाला जाएगा। पावर का फॉर्मूला आपको बताया, वी स्क्वायर बाई क्या होगा, आर होगा, क्योंकि पोटेंशियल दोनों का सेम रहेगा पैरेलल में, तो पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया, बिकॉज वी इज कॉन्स्टेंट, वी इज कॉन्स्टेंट, वी की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी तो पावर की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ गई। अब पावर ज्यादा है, पावर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, कम, किसके लिए, 100 वाट बल्ब के लिए, 400 वाट बल्ब पावर इज मोर देन रेजिस्टेंस विल बी लेस, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा, ज्यादा रहेगा, और करंट ज्यादा होगा तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी, मोर ब्राइटनेस, तो कौन सा ज्यादा बल्ब ग्लो करेगा, 100 वाट का बल्ब जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्यादा ग्लो करेगा। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, सिंपली फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, इलेक्ट्रिक पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, और ये ई और पावर को पी से नोट करेंगे, टाइम को टी से, बट पावर का फॉर्मूला आपको पता है वी आई इंटू टी हो गया, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, वी आई टी, जो हमने हीट के इक्वल लिया था। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, आपको ये पता है कि इसकी एसआई यूनिट क्या रहेगी, एसआई यूनिट रहेगी जूल, जूल रहेगी, बट इसकी कमर्शियल यूनिट क्या रहेगी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या रहेगी, किलोवाट आवर, इसको लिखेंगे kWh, किलोवाट आवर, और 1 kWh जो होता है इसी को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होता है उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स काउंट होती हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट्स का मतलब नंबर ऑफ किलोवाट आवर निकालते हैं, तो 1 kWh जो होता है वो आपकी कमर्शियल यूनिट यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, और 1 kWh किसके इक्वल होगा, 1 kWh इज इक्वल टू 1000 वाट मल्टीप्लाई बाई 3600 सेकेंड, और इसको हम सोल्व करेंगे तो 3.6 × 10⁶ वाट सेकेंड आ जाएगा, और वाट सेकेंड किसके बराबर होगा, जूल के इक्वल होगा, तो 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ कितना आ गया, 6 जूल आ गया, तो 1 kWh में इतनी एनर्जी होती है, ये कमर्शियल यूनिट होती है, और इसको आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स या आप इसको kWh लिखेंगे, ये किसके इक्वल आएगा, टोटल वाट मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम किसके अंदर, हावर्स में, टोटल वाट इंटू टोटल टाइम इन आवर्स डिवाइड बाई क्या रहेगा, 1000, क्योंकि वाट को किलोवाट में बदलने के लिए 1000 लगाएंगे। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ यूनिट निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल सकते हैं, पहले नंबर ऑफ यूनिट निकालेंगे फिर पर यूनिट जो कॉस्ट गिवन होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा। तो इसको आपने, मैंने इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है वो आपका वन शॉट के अंदर ये कंप्लीट अच्छे से आपको समझा दिया है, स्टूडेंट शायद आपको अच्छे से समझ में आया हुआ है।